नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में शासन द्वारा जारी आदेश एवं जिला प्रशासन के निर्देशन में कोरोना वायरस समस्या को लेकर सावधानी बरतते हुए शासकीय संस्थान, प्राइवेट एवं सार्वजनिक संस्थान पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। वहीं जिले के पीटीएस पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर बेसेंट रहीम, जिला जेल के जेलर MS मराठे, जिला चिकित्सालय के डॉक्टर रूहेला एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष द्विवेदी एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत दुबे सहित समस्त लोगों ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से सभी संस्थानों में उपस्थित लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है एवं कोरोना वायरस से बचने के लिए हैंड वॉश करते हुए मास्क लगाकर वायरस से बचाव किया जा रहा है एवं जिले में स्वास्थ्य को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वह जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस से संबंधित नोडल प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर सर्वोच्च सोमवंशी की अध्यक्षता में बैठक की गई है एवं सभी विभागों को अलर्ट जारी किया गया है एवं कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला चिकित्सालय में पूरी तैयारी कर ली गई है एवं इससे संबंधित सामग्री उपलब्ध है। वही शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस से संबंधित संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने के लिए दो वार्ड का स्पेशली आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहां उनकी जांच की जाएगी। वही जानकारों ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि हाथों की स्वच्छता के लिए हैंड वॉश होने चाहिए। इसके साथ ही धूप, गुगुल, लोवान, कपून, नीम पत्ती का धुआं करें एवं कोरोना वायरस जैसे संक्रामक बीमारी से बचने के लिए अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें। पीसी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। निरीक्षण किया गया जिसपे कोरोना वायरस के लक्षण, जैसे कई लोग घबरा रहे हैं कि हम कोरोना वायरस होते हैं, उसके लक्षण को बताया गया और कोरोना वायरस के बचाने के लिए उपाय बताया गया कि कैसे अपन बच सकते हैं। कई प्रकार के बचाव है उस पर, जैसे अपन हाथ धो आधे आधे घंटे में, किसी हाथ न मिलाएं, हाथ न मिलाए तो अगर हाथ धोकर अपन करें, खाना खाएं, कहीं पर किसी चीज़ को छुए तो हाथ धोएं, इस टाइप के उपाय बताए गए और सबको मतलब जागरूक करने के लिए और गाँव को जाकर जागरूक करने के लिए ऐसी कई सारे उपाय बताए। देखिए, उमरिया जिले में बहुत ही शुरुआती दौर से एहतियातन कदम उठाए गए हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आपदा प्रबंधन टीम का। उन्होंने लगातार ऐसे सेंसिटिव एरिया जो हैं उनमें वर्कशॉप किए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी दी है और जो इस तरह से वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, जेल हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर मस्जिद हो और जो सबसे महत्वपूर्ण है बांधवगढ़, जहाँ के विश्वभर से लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, उन सभी जगहों पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं और लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, कोई डर की बात नहीं है, हम लोग इससे लड़ लेंगे। हाँ, कोरोना वायरस अब एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में फैल चुका है। बीमारी एक वायरल डिसीज है। ये इसको सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में पाया गया था। देखा गया कि ये जानवरों से आदमी में आई। उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे का टॉवल और ये चीजें सब शेयर करने से ये बीमारी फैल रही है। लक्षण इसमें ज्यादा अलग नहीं, कुछ वैसे ही बुखार आएगा, सर्दी, नाक बहेगी, खांसी, हेडेक और थकावट रहेगी आदमी को। बुखार 40 डिग्री से ज्यादा अगर है टेम्परेचर, जो कि स्क्रीनिंग की जा रही है सभी जगहों पर, स्कूलों, कॉलेजों में, एयरपोर्ट और सभी जगहों पर स्क्रीनिंग की जा रही है। लक्षण बिल्कुल ये वैसे ही हैं, पर कुछ चीजें इसमें बहुत सीवियरिटी के हिसाब से, पहले लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है तो लंग्स के बाद फिर हार्ट, ब्रेन, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं धीरे धीरे और एक गंभीर लाइलाज बीमारी है। अभी इसकी खोज, टीके की इसकी खोज जारी है। अभी कोई दावा ऐसा नहीं कर रहा है कि पुख्ता इसके इलाज किसी ने कहीं खोज लिया हो। पूरी दुनिया में सब लगे हैं कि भाई कैसे इस बीमारी से निजात पाई जाए। इस साल में कोरोना से बचाव, रख रखाव की जो सारी हिदायतें बरती जा रही हैं और आम पब्लिक को भी दी जा रही है, जैसे डे टू डे प्रैक्टिस में ओपीडी में हम बैठते हैं तो हर एक के मन में यही सवाल उठता है कि कोरोना क्या है, सब कैसे फैलता है। भाई एक दूसरे से ज्यादा हैंडशेक, हाथ न मिलाएं, दूर से नमस्कार करें और अपने आसपास सफाई रखें। खांसे तो अपने आसपास कपड़ा या तो अपना बाहें या जिस तरह से यूज कर सकते हैं और सफाई ज्यादा बरते हैं हमारे पास। और इसी के संबंध में हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में अभी मॉक ड्रिल भी हुआ था कि कोई मरीज आता है तो डॉक्टर वीके प्रजापति सर ने उसमें एक मॉक ड्रिल, मतलब एक डमी पेशेंट के ऊपर क्या है तो कैसे उसको एग्जामिन करना है और आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड भी बन चुके हैं तो उसमें पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हायर सेंटर पर रिफर भी करते हैं। और कोरोना वायरस का जो अभी तक जो है सबसे ज्यादा चाइना प्रभावित है,
इंडिया में बतौर एहतियातन और सावधानी के रूप में इसको लिया गया है। तो हमारा ऐसा कहना है कि उमरिया जिले भी में भी कोरोना वायरस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ रेल की कनेक्टिविटी बहुत है, रेल से बहुत सारी दिल्ली और बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे पर्यटक स्थल है बांधवगढ़, वहाँ लोग आते हैं, कोल माइंस है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बड़े बड़े ऑफिस हैं जहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो यहाँ के लोकल लोगों को वो बीमारी हो सकती है। हम जिला प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि जहाँ भीड़ भाड़ वाली इलाका है, कलेक्ट्रेट कार्यालय है, कोर्ट है, यहाँ जहाँ 10 और 20 से ज़्यादा लोग रहते हैं, बांधवगढ़ है और ऐसी जगह जहाँ पे कॉलरी है, जहाँ जहाँ 10 से ज़्यादा भीड़ के रूप में लोग काम करते हैं, वहाँ पे एहतियातन ज़्यादा सावधानी बरती जाए। प्रशासन जो है उसका मास्क है वो प्रोवाइड कराए और जो सैनिटाइजर है वो भी ऑफिसों में रखा जाए, और जिससे कि कोई भी व्यक्ति और संक्रमित ना होने पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कोई व्यक्ति किसी से हाथ न मिलाए, किसी के कपड़े रुमाल को उपयोग न करे, तभी कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। कोरोना वायरस निश्चित रूप से धीरे धीरे महामारी के रूप में, अभी इसका कोई इलाज सामने नहीं आया है कि ये पर्टिकुलर इलाज है, केवल अभी प्रिवेंशन से, बचाव से इसका रोकथाम किया जा सकता है। हम शासन प्रशासन सभी से आग्रह करते हैं कोरोना वायरस के प्रति जिला प्रशासन संवेदनशील हो और इसको बचाने के उपाय किए। ये कोरोना वायरस के संबंध में संक्रमण की सूचनाएं प्राप्त हुई थी हम लोगों को, तो स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर उमरिया में एक सेल बना हुआ है, उनके डॉक्टर के साथ हम लोगों की चर्चा हुई और हम लोगों ने प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को समस्त हितधारकों की एक बैठक रखते हैं। तो माह जनवरी और फरवरी और मार्च तीनों माहों में ही हम लोगों ने यहाँ के जो कोरोना वायरस से संबंधित जो डॉक्टर हैं उनकी पूरे दल ने जाके इस संबंध में हमारे जो होटल रिसोर्ट ओनर्स हैं, जिप्सी मालिक हैं या गाइड्स हैं या हमारे कर्मचारी जो हैं जो स्थानीय रूप से काम कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको सावधानियां बताएं, उनको उसके संबंध में एक बकायदा प्रेजेंटेशन करके दिखाया कि किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसके साथ ही इससे संबंधित पोस्टर्स और बैनर जो थे वो वितरित किए जो हम लोगों ने प्रमुख स्थानों पर लगाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आने जाने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी स्क्रीनिंग भी गेट्स पे की जा रही है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि इस प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोकने का प्रयास करें। कोरोना वायरस को लेकर हमारी पीटीएस में हमने अपने सभी नवारक्षकों को करीब करीब एक सप्ताह पूर्व पूरी ब्रीफिंग करवाई है और मेडिकल टीम को बुलवाया है। मेडिकल टीम ने भी हमारे आरक्षकों को ये समझाई दी है कि क्या क्या सावधानी बरतना है, हाथ धुलाने का काम हो, सफाई का काम हो, उनकी स्वच्छता का काम हो और इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने का काम हो, इन सब चीज़ों के संबंध में हमने कुछ हिदायत दी है और वो लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी सजग हैं, सतर्क हैं, अगर कहीं किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या आएगी तो हम फौरन कार्रवाई करने की स्थिति में। ये संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार पूर्णतः सजगता बरती जा रही है और प्रतिदिन नए आने वाले बंदियों के लिए हमने एसपी साहब से अनुरोध किया पत्र के माध्यम से कि संबंधित थानों से जो बंदी प्रतिदिन नए अपराधी के रूप में जेल में आते हैं न्यायिक अभिरक्षा में, उन्हें सभी का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य कोरोना वायरस के संबंध में जांच उपरांत भेजने हेतु निवेदन किया है और सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय उमरिया से अनुरोध किया पत्र के माध्यम से कि आने वाले बंदियों की जांच परीक्षण प्रतिदिन विशेषज्ञों को भेज करके करवाने में सहयोग करें और उनसे मुख्यालय के प्राप्त निर्देश अनुसार मास्क अनिवार्य रूप से भेजने हेतु निवेदन किया है 500 में। अभी 170-180 बंदी हमारे पास नियमित रूप से रह रहे हैं, 50 के लगभग स्टाफ है, सभी को स्टाफ को रहने सुरक्षा की दृष्टि से मास्क प्रदाय किए जाएंगे, अनुरोध किया गया है और शीघ्र ही प्राप्त होते ही सभी बंदियों को और स्टाफ को मास्क लगवा करके कोरोना वायरस से रोकथाम के उपाय करेंगे। जिले में जब से कोरोना की दहशत फैली पूरे दुनिया में तब से अभी तक हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कर चुके हैं और दो बार जो है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इंटर सेक्टोरियल सभी विभागों को अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ में विभागीय और गैर विभागीय अशासकीय धर्मगुरुओं इन सबों को हमने अपने जिला चिकित्सालय की मीटिंग हॉल में
में बुलाकर उनको जो है इसके बारे में अवेयर किया है, ओरिएंटेशन दिया है। साथ साथ में आपको बतला दूं हमारे जिला चिकित्सालय में इससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। इससे संबंधित जो भी सामग्री होती चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे N95 मास्क हो या VTM किट हो जिसमें सैंपल लेकर मरीज का जाँच के लिए भेजा जाता है, वो सभी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा हमने जो है शासन के निर्देशानुसार 2 बेड का स्पेशली आइसोलेशन वार्ड कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने के लिए बनाया हुआ है, उनके ड्यूटी चार्ट बना हुआ है डॉक्टर्स का और स्टाफ नर्सेस का। इसके साथ साथ में हमारे द्वारा जो है जितने भी जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, जैसे कि PTS यहाँ पर बहुत पुराना है, बड़ा है, लगभग 350-400 जो PTS के ट्रेनीज हैं उनको हमारे द्वारा ओरिएंट किया गया है। साथ साथ में बांधवगढ़ में जो कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर समस्त जो है पर्यटक 6 तारीख से जो भी आ रहे हैं, लगभग 1600 से अधिक पर्यटकों का हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। जिला चिकित्सालय में भी सभी डॉक्टरों सभी स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है कई बार, और वो भी जो भी सर्दी खांसी जुकाम या कि सांस लेने में तकलीफ के जो मरीज आ रहे हैं उनको गंभीरता से देखते हुए उनकी जांच कर रहे हैं, और ऐसा अभी तक जिला उमरिया में कोई भी मरीज अभी आज दिनांक तक संदिग्ध नहीं पाया गया। जिस जनता से भी अपील करता हूं कि जिसको भी सर्दी खांसी जुकाम या कि सांस लेने में तकलीफ है तो वो घबराए नहीं, डरे नहीं, वो जिला चिकित्सालय में आके अपनी जांच कराएं, स्वतः किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई ना लें। हमारे यहाँ पर इससे संबंधित जो है ट्रेंड अमला है, हम उसकी जांच करेंगे और उसको सलाह देंगे, और किसी प्रकार की अगर ज़्यादा संभावना होगी तो उसको फिर फर्दर हम जो है ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे।